ऑस्कर के होने के बावजूद बॉलीवुड में खूब स्ट्रगल कर चुके हैं शाद। चलिए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं के जुबानी। शाद, सबसे पहले स्वागत है आपका बॉलीवुड नजर। थैंक यू सो मच। अगर हम बात करें मस्ती ज्यादा में, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था सनी लियोनी के साथ काम करके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत प्रोफेशनल है वो, बहुत डाउन टू अर्थ है, और यू नो शी इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर। अच्छा, तो आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए, अपार्ट फ्रॉम बीइंग सनीज हस्बैंड, व्हाट एल्स? आई एम प्लेइंग हर फियांसे इन द फिल्म, हु इज एंगेज्ड टू लिली, वन ऑफ द सिस्टर्स, एंड उनके जो पिता हैं, जिनका किरदार असरानी जी ने निभाया, वो मुझे पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि लिली की शादी मुझसे हो, लेकिन फिर जो वीर का कैरेक्टर है उसका भी एक एंगल है जो चाहता है कि वो लिली के साथ जुड़े रहें, तो पूरी कॉमेडी उसके इर्द गिर्द ही है। तो मोहित सूरी के साथ आपके बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन हैं, आप उनके ऑलरेडी 4 मूवीज़ में आ चुके हो, आपको हमने बहुत मिस किया उनकी लास्ट मूवी में हमारी अधूरी कहानी, तो क्या रीज़न था जो हम आपको नहीं देख पाए? ऐसा कोई रीज़न नहीं था, जब उनके पास मेरे लिए कोई रोल होता है वो ज़रूर मुझे कहते हैं। मैं मोहित सूरी की हर फिल्म करना चाहूँगा, क्यों नहीं करना चाहूँगा, इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, मेरी खुशकिस्मती है कि वो मेरे दोस्त हैं और वो समझते हैं कि मैं उस काबिल हूँ कि मैं उनकी पिक्चर में काम कर सकूँ। तो जब भी कोई भी फिल्म में अगर उन्हें लगता है कि कोई किरदार है जिसे मैं निभा पाऊँगा, अच्छी तरह से निभा पाऊँगा, तो ज़रूर मुझे मेरे बारे में सोचते हैं। तो इन द फ्यूचर डेफिनेटली हम ज़रूर काम करेंगे, और एक नहीं, 4 नहीं, शायद भगवान करे 40 फिल्मों में साथ में काम करें। ओके, तो अभी आपकी मूवी आ रही है मस्ती ज़्यादा, और उसी के एक हफ्ते पहले रिलीज़ हो रही है क्या कूल है हम 3, तो आपको क्या लगता है कहीं कंपटीशन ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जॉनर सेम है, एडल्ट कॉमेडी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार तो फ्राइडे पे 2 फिल्में लगती हैं, दोनों फिल्में अच्छी करती हैं, सो डिपेंड करता है। कई बार ऐसे होता है कि एक महीने में 3 लव स्टोरियाँ लग जाती हैं, सब अच्छा करती हैं, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हर फिल्म अलग होती है, ऑडियंस यू नो हर फिल्म एक अलग नज़रिए से देखती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आई टोटली बिलीव दैट यू नो इट्स गॉट नथिंग टू डू, और ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। ओके, तो मस्ती ज़्यादा में आप कॉमिक रोल में फर्स्ट टाइम आ रहे हो, इसके पहले हमने आपको आवारापन में देखा, एक विलन में देखा, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा एक कॉमिक रोल के लिए? हाँ, जब मुझे मिलाप मिलन जवेरी जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझे इस रोल के बारे में बताया, तो मैंने कहा ये सब तो ठीक है, बढ़िया रोल है, और लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि इसके पहले मैंने ये जॉनर किया नहीं है, और मैं सिंसियरली ये समझता हूँ कि लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है, और लेकिन वो जानते हैं, मुझे बचपन से जानते हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं तो कर लेगा, ही इंस्टिल्ड दैट फेथ इन मी, तो मेहनत की, और होपफुली लोगों को काम अच्छा लगे। अच्छा, लोगों का कहना है कि स्टार किड होने के बाद बॉलीवुड में एंटर होना बहुत इजी होता है, तो आप इससे कितना एग्री करते हो और कितना डिसएग्री करते हो? मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टार किड है तो क्या हुआ, वो जो भी यहाँ है अपनी काबिलियत पर है, वो उनके टैलेंट की वजह से यहाँ पर है। अगर आप स्टार किड हो तो आपको एक फिल्म मिल जाएगी, उसके बाद क्या, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स बिजनेस, तो यहाँ पर यू हैव टू बी गुड एट व्हाट यू डू। तो मैं ये बिल्कुल नहीं समझता कि अगर आप स्टार किड है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इनफैक्ट कभी कभी तो मुझे लगता है अगर आप स्टार किड है तो आप पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, आपको ब्रेक मिल जाता है, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हर जैसे हर काम में होता है, यहाँ पर मेहनत, लगन और डेडिकेशन की ज़रूरत है, टैलेंट की ज़रूरत है, और वही काम आता है आपके। ओके, सो वन लास्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड पूरा सनी को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उनका जो रीसेंट इंटरव्यू हुआ था उसके ऊपर, तो बीइंग अ रियल लाइफ हस्बैंड, आप उनको क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं क्या बोलना चाहूँगा, जो होना था हो गया, सबने देखा, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें सपोर्ट किया है, सब जर्नलिस्ट ने उन्हें सपोर्ट किया है, द प्रेस हैज सपोर्टेड हर, क्योंकि जो हुआ सबको पता है क्या हुआ, मैं उसके बारे में फिर से बात नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि
अगर आप मन के सच्चे हैं और आपका दिल साफ है तो आपके साथ ऊपर वाला है बस। थैंक यू फॉर टॉकिंग विद अस, थैंक यू सो मच। मोनिका मिश्रा कैमरामैन रतर के साथ, बॉलीवुड नज़र, मुंबई।